चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी आटा मोमो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए अदरक लहसुन और हरी मिर्च। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सब्जियां। सब्जियों में हमने लिया है पत्ता गोभी, प्याज और गाजर। सब्जियों को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक सौटे करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ चम्मच विनेगर, हाफ चम्मच सोया सॉस, हाफ चम्मच ग्रीन चिली सॉस, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर। इन सभी को मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए पका लेंगे। अब हम आटे के डोसे इस तरह से पूरी बेल लेंगे। अब हम इस पर डाल देंगे स्टफिंग। अब इस मोमोज को हम शेप दे देंगे इस तरह से। इन सभी को इकट्ठा करके अब बंद कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। मोमो को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से शेप दे दिया है। स्टीमर प्लेट में अब इस तरह से डाल देंगे इसे। इन सभी को डालने के बाद इसे 15 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। देख सकते हैं मोमो बनकर बिल्कुल तैयार है। आटा के हेल्दी मोमो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे सर्व कर लेंगे आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।